हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, जो कि होगी प्लांटिंग और गार्डनिंग के ऊपर। कम्प्लीटली आपको बहुत सारे प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गार्डनिंग की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और हमें DIY करके अपने होम को, अपने इंटीरियर को कैसे ब्यूटीफुल बनाना है, मैं उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और आपके साथ बहुत सारी जानकारी शेयर करूंगा और आइडिया शेयर करूंगा। तो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं इसमें आपको आपके साथ कुछ ऐसे अपने प्लांटर शेयर करूंगा जो मैंने खुद रेडी किए हैं अपने घर के वेस्ट प्रोडक्ट के साथ, जो मुझे यूज़ नहीं थे। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूं, और आने वाले आगे वीडियोस में मैं और बहुत सारी यूज़फुल वीडियो शेयर करूंगा गार्डनिंग के ऊपर। तो गाइस, मैं आपको एक एक करके मेरे कुछ प्लांटर्स दिखाता हूं जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने रेडी किए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये एक मनी प्लांट, पोथोस का प्लांट है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये मैंने क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम का जो केन होता है, आप देख सकते हो, उसमें लगाया हुआ है। तो ये काफ़ी देखने में ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने दो, ये तीन या चार लीफ लगाई थी गाइस, और आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है मॉनसून में, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो इसके नए नए जो है शूट्स निकल गए हैं नीचे से, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप इसे कहीं भी कबर्ट के ऊपर, शोकेस के ऊपर, या अपने लैपटॉप के बगल में प्लेस कर सकते हो एक पॉजिटिव वाइब्स के लिए, और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है गाइस देखने में। तो मैं आपको यहाँ रख देता हूँ, मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। एक ये आप देख सकते हो गाइस, ये मेरा दूसरा प्लांट है जो मैंने रेडी किया है। तो मेरे पास ये खाली बॉक्स पड़ा था जो मेरा बेटा खेलने के लिए यूज़ करता था यूजुअली, तो अब वो इसे नहीं खेलता है। तो मैंने उसमें नीचे एक बॉटम में होल बना के उसमें कुछ लीफ जमा दिए, और वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो देखने में कितना क्यूट लग रहा है, और आप इसे भी कहीं भी प्लेस कर सकते हो गाइस। ये काफ़ी क्यूट लग रहा है, और देखने में बहुत अच्छा न्यून पोथस है, येलो लीव्स वाले मनी प्लांट इसको बोलते हैं, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं इसे भी यहाँ रख देता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और। तो आप देख सकते हो ये मेरा थर्ड है, ये भी मैंने उसी के क्यूब से रेडी किया हुआ है, जो मैंने सेट ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, 10 पीसेस का सेट था। वो खेलता नहीं है, तो मैंने इसे प्लांटर के तौर पर यूज़ कर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छे हार्ड प्लास्टिक बॉक्स है जो एज ए पॉट में यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो एन्जॉय पोथस इसका नाम है, और ये देखने में काफ़ी अच्छा वेरीगेटेड पोथस है, मनी प्लांट ही है एक प्रकार का, बट इसके डिज़ाइंस की लीफ जो है वो काफ़ी अच्छी दिखती है, मार्बल्स की तरह शेड होती है। तो ये भी आप कहीं भी टेबल्स वगैरह पे रख सकते हो, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है, आप देख सकते हो। और ये इस मनी प्लांट की ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो है कंपेरिजन टू अदर मनी प्लांट, जो उनकी वैरायटी होती है, बट ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। आप देख सकते हो कैमरा पे इसकी लीफ कितनी प्यारी लग रही है। तो ये मैंने प्लांटर जो मैंने खुद से रेडी किए कटिंग से, मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह के प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं। तो मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये एक और सेम तरीके का नियॉन पोथस जो मैंने कंबाइन किए हुए हैं, दो तीन वैरायटी के पोथस इस प्लांट में, ताकि थोड़ा अलग लुक आए। तो ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो इसका भी लुक और फील काफ़ी अच्छा है। तो इसे भी आप कहीं भी टेबल पर या कहीं भी अपने फिश टैंक के ऊपर या कबाट के ऊपर प्लेस कर सकते हो, जिससे कि आपके घर में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में भी। मैं तो रिकमेंड करूँगा फ्रेंड्स कि आप अगर आर्टिफिशियल प्लांट्स रखते हैं तो उसे ना रखते हुए ये नेचुरल प्लांट्स रखिए, ये काफ़ी शो में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे पास एक और प्लांटर है, ये आप देख सकते हो, ये स्पाइडर प्लांट है। इसके थोड़ी लीव्स जो है अभी मॉनसून में कुछ स्नेल्स आ गए हैं मेरे गार्डन में, और इसके लीव्स को थोड़ा डैमेज कर दिए है, बट ये काफ़ी अच्छी एक प्लांट है और लुक्स में काफ़ी अच्छी लगती है। इसकी मैं ग्रोथ आपको आगे बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, कैसे ग्रोथ होती है, रिकवर कर पाता है या नहीं, बट आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके लीव्स ऐसे स्पाइडर की लेग्स की तरह होती हैं, तो इसे रखने पे टेबल पे ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। और मैं आपको एक मेरा फाइनल प्लांटर बता देता हूँ कि मैंने ये एक बॉटल कैप में लगाई हुई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ये एक्चुअल में एक बॉन्साई मैंने रेडी कर रहा हूँ मैं। ये जेड का प्लांट है, और ये छोटे से एक मैंने कैप में लगाया हुआ है, जो कि मैप्रो की बॉटल का कैप है। इसे छोटा फ्लैट देने का रीज़न ये है कि हमें अगर बॉन्साई रेडी करना है तो हमें उसे फ्लैट सरफेस देना पड़ता है जिसमें सॉइल कम यूज़ हो, तभी हम बॉन्साई रेडी कर सकते हैं। तो इसकी ग्रोथ में आपको आने वाले टाइम में बताऊँगा कि बॉन्साई का क्या अपडेट है। तो गाइस, मेरे कुछ प्लांटर्स है जो आप देख सकते हो मैंने रेडी किए हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छा फील और लुक देते हैं। तो उम्मीद है आप भी अपने घर में रेडी करेंगे, और मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इस तरह के प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और आप मेरे अगले वीडियो का प्लीज़ इंतज़ार करिए, मैं आपको बहुत सारी प्यारी प्यारी अपडेट्स देता रहूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में।